देख रहे हो जो नया बयान आया है हज कमेटी को लेके या दूसरे तरह के मामले को लेके, आप कैसा महसूस? कुछ नहीं, हम मुसलमानों को खैरात की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे माँ बाप को और हमारे लोगों को ऐसे ही हज करवा देंगे। अल्लाह करवाता है सबको हज, हमारी और मोदी की और किसी की कोई औकात नहीं है। तो ये सब, हम ना ट्रेनें जलाएंगे, ना हम बसें जलाएंगे, ना हम रोड पे उतरेंगे। देख लो, हम मुसलमान कितने शांतिपूर्वक है भारत देश के अंदर। हम हाँ, आप अपने कंट्रोवर्शियल बयान की वजह जाने जाते हो, हज हज को लेकर के आप ज़रा सवाल ये करें। मोदी जी जो है, राहुल गांधी जो अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू देते हैं, मोदी जी जो है जी मीडिया को देते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस इंटरव्यू को देखने के बाद? आपको कैसा लगा? मोदी को मैं तब मान जाऊंगा जब वो रवीश कुमार को इंटरव्यू दे देगा। और बोलिए, तीन तलाक को कैसा महसूस कर रहे हैं? तीन तलाक, तीन तलाक तो एक बहुत ही बड़ा मुसलमानों के साथ एक जाति, ये कम कहीं ना कहीं मुसलमानों को इससे सबक भी लेना चाहिए कि अब हमारे संविधान को, हमारी पर्सनल लॉ को चेंज करके उसका कोई अलग ही मुद्दा है, उसकी कोई अलग ही चीज़ है और उसको कोई अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर तीन तलाक पे 3 साल की सजा है तो 7 फेरों पे 7 साल की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये हमको गाय और बकरों में बांटा जा रहा है, 7 फेरे और 3 तलाक में बांटा जा रहा है। आज भी हम दिवाली की मिठाइयाँ हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ खाते हैं, आज भी हम ईद की सेवइयाँ हमारे भाइयों को हमारे घर में खिलाते हैं। जो सनातन धर्म के असली हिंदू है वो हमसे आज भी प्यार करते हैं, सिवाय मोदी भक्त के। जो मोदी के भक्त है वो भले ही ये चाहते हो कि हिंदू राज आ जाए। ये भारत देश है, यहाँ पे शिवाजी की जो टोली थी उसके अंदर भी सब पठान लोग लड़े थे शिवाजी को, औरंगजेब को मारने के लिए, सच्चाई के लिए मुसलमान ने ही वो नाखून दिया था। तो हर जगह पे आप कहीं भी ले लो, बिना मुसलमानों के हिंदुस्तान का इतिहास एकदम खोखला है। तोगड़िया के बयान को आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तोगड़िया के बयान को किस नजरिए से? तोगड़िया मिला कि नहीं? कि नहीं मिला अभी तक? मिल चुका है। मिल गया है, कहाँ है वो? कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे मोदी जी सबको, वो पिक्चर में विलन देखते हो, विलन जो होता है धीरे धीरे अपने लोगों को मारने लगता है क्योंकि सच्चाई सामने आती है। उसी तरह हम सबको मालूम है, गूगल कर लीजिए, वर्ल्ड बेस्ट क्रिमिनल में मोदी जी का नाम आता है। और उन्होंने एक और बड़ा क्रिमिनल लेके आया है जिसका नाम है नित्यानंद, जो पलिस्तानियों के खून का, जिसने पलिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को मारा है, छोटे छोटे पूरी औरतों को जला दिया जिंदा, लोगों का रेप कर डाला उसने, पूरी दुनिया में कहर मचा दिया, उसको लेके ये घूम रहा है। और योगी कहता है कि ताजमहल हिंदुस्तान का प्रतीक नहीं है और उसको ले जाके ताजमहल ही दिखाया जा रहा है, तो ये कौन सा दोगलापन है? खैर छोड़ो, बीजेपी दोगली है और दोगली रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमेशा मैं कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा, अब बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। नेतन्याहू को मुंबई में इतना ज़्यादा विरोध के बाद भी लाया गया, महाराष्ट्र सरकार लेके आई। देखो, ये हमें समझना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार नहीं, पूरी देश की जितनी सरकार है वो मोदी के आगे झुक चुकी है। पैसा उसका है, सरकार उसकी है, बिजली उसकी है, अंबानी उसका है, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। और आगे जो होने वाला है वो और ख़तरनाक होने वाला है, इससे हमें वाकिफ होना चाहिए। जब मारे जाएंगे तो गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, गरीब सिख, गरीब दलित, यही मारे जाएंगे, बाकी अमीर अपने बिल्डिंगों में सेफ रहेंगे। तो ये हमें देखना है कि हमें हिंदुस्तान को कहाँ लेके जाना है। ये लोग तो 200 साल पीछे ले गए, अभी और कितना पीछे लेके जाएंगे ये इन्हीं पर डिपेंड करता है। लेकिन हम अगर समझ जाए हिंदू मुसलमान कि हम गाय और बकरों में ना बटे, इनकी बातों में ना आए। ये राम मंदिर की बात करते हैं, कब कौन जाके राम मंदिर में पूजा किया बताइए हमें? ये सब ढकोसले हैं हिंदू मुसलमानों के राइट्स करवाने के, लड़ाई करवाने के, दलित मराठों को लड़वाने के। ये ढकोसले में सालों से अंग्रेज जो हमारे साथ करके आए वो ये लोग कर रहे हैं और हम अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री भी कई खेमों में बटी हुई है। अमिताभ बच्चन जो है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सेल्फी लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जो है उनके साथ सेल्फी लेती है और सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन अपने अकाउंट से वायरल करते हैं, उसको किस नजरिए से फिल्म इंडस्ट्री? और वो हमने निकलवा दिया, जब हमने अमिताभ बच्चन के पीछे हम पड़ गए तो उन्होंने वो डिलीट कर दी। लेकिन करण जौहर जो क्वीन है वो बड़ी नाच रही है उसे लेके, तो वो तो नचैया है तो उसको क्या बोलेंगे? अब 2 बच्चों की सेल्फी लेके, बच्चों के कातिलों के साथ वो सेल्फी ले रहा है और बोलता है ऑनर।
खैर छोड़ो ये सब दोगले लोग हैं, इनके बारे में क्या कहना। तो फिल्म इंडस्ट्री भी क्या उस चीज के लिए जिम्मेदार है कि अपनी आइडियोलॉजी से? नहीं, मुझे खुशी इसी बात की है कि तीनों खान वहां पे नहीं थे, तो मैं सलाम करता हूँ इन तीनों खानों को। सलमान खान ने इस बार जो है पतंग नहीं उड़ाया मकर संक्रांति पे। अरे वो मजबूरी थी भाई की, नहीं तो वो पतंग भी नहीं उड़ाता। वो पतंग उड़ा के उसने समझे कि नहीं, तुम थोड़ा समझो तो सही। मोदी सरकार थी तो अपना भाई पतंग उड़ा के निकल गया, बोले निकल जाओ अभी, तो नहीं तो उसको फंसाए जा रहे थे। अरे पूरी दुनिया हिरन मारती है, उसने एक हिरन मार दिया, पीछे पड़ गए। गाली भी भाई नहीं चला रहा था, बाजू में कोई बैठा था, वो तो हर बार उसकी आदत है भाई की, वो क्या करता है, वो हिरन मारा था सैफ अली खान ने, वो आ गया भाई मैंने मारा है। गाड़ी कोई और चला रहा था, भाई बाजू में बैठा था, भाई आ गया मैं चला रहा था, तो उसमें आ जाता है वो आदमी। खैर जाने दो, ये सब बड़े मसले हैं जो हम सबको हिंदुस्तान में पता है कि ये सब नेता एक जैसे ही होते हैं, और मोदी भी किसी का बिठाया हुआ आदमी है, मोदी भी मोहरा है बेचारा।